लगातार जो भी निष्कर्ष नौकरी जाता है वो कर रहे थे, उसमें आरोपी की पदासाधी के साथ साथ ये भी आवश्यक था कि उसमें जो बाकी लोग सुरक्षा बनी रहे और आगे कोई घटना कार्य ना हो पाए, इसी के लिए पुलिस ने काफ़ी सारी टीम बनाई थी और टीम लगातार इसमें काम कर रही थी, साक्ष्य एकत्रित कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रहे थे, जो संदिग्धों से पूछताछ कर रहे थे, टेक्निकल एविडेंस और बाकी सारे एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर रही थी। तो बहुत सारी जानकारी पुलिस के पास आई थी पर कोई जानकारी पुलिस के पास अच्छी पूरी नहीं थी, लेकिन पुलिस उन जानकारियों को जोड़ के उनका एनालिसिस करके लगातार वर्क कर रही थी। इन्हीं जानकारियों में से एक जानकारी आई कि भोपाल में कुछ साक्ष्य को मिले, तो क्योंकि सभी साक्ष्यों को वेरीफाई किया जा रहा था तो उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस ने वहाँ पर टीम भेजी, तो उसको पुलिस ने वेरीफाई किया और वेरीफाई करके उसने इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ पर अलग पूछताछ उसमें की गई और वहाँ पर भी चेकिंग वगैरह की गई, भोपाल पुलिस का भी सहयोग किया गया और उसमें थी पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसको वेरीफिकेशन के दौरान पुलिस को एक जगह एक व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति मिला और पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने फिर ये घटना करना कबूल किया और पुलिस के पास से जो मोबाइल पे जो घटना पे गए थे वो मोबाइल बरामद किए और पुलिस ने उसको वहाँ से अरेस्ट किया, अरेस्ट करके पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। अभी तक की पूछताछ में इसने सागर जिले में 3 घटनाएँ और चंपा जिले में 1 घटना उसने बताई है, कार्य करना बताया है और इसके जो पूर्व की घटनाएँ हैं उसके बारे में भी पुलिस अभी डिटेल में और पूछताछ कर रही है और जैसे भी कोई और चीज़ें पता चलेंगी तो पुलिस उसमें अधिक कार्रवाई करेगी। सर आरोपी का प्रोफाइल क्या है पूरा? आरोपी की उम्र लगभग 19 साल है और ये विभिन्न जगहों पे ये रहा है और अलग अलग जगहों पे उसने काम भी किए हैं और काम करते हुए और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होके ये इस प्रकार की घटनाएं कारित करने लगा और जो मोटिव इसका जो अभी तक समझ में आया है और इसमें जो बताया है वो इस प्रकार का है कि वो फेमस होना चाहता था कुछ घटनाएँ करके अलग अलग इन्फ्लुएंस के माध्यमों से, तो उसको इसने इस प्रकार की घटना करना इसने शुरू किया और अभी गिरफ्तारी हुई है कुछ समय पहले ही और उसमें और पूछताछ अभी जारी है, उसमें पुलिस रिमांड लेके और उसमें अभी पूछताछ करेंगे और अन्य जो भी तथ्य आएंगे जानकारी आएंगी उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ये बेसिकली इसने जैसा बताया है अभी तक की पूछताछ में उसने बताया है कि जो भी कोई व्यक्ति अकेले सोते पाए जाते थे उनको ये टारगेट करता था और उनके साथ घटना कार्य उसने किया है, तो जहाँ कहीं भी अकेले हैं चाहे चौकीदार हों या अन्य कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अकेले सुनसान जगहों पे सोते पाए गए तो उनके साथ उसने ये घटना कार्य की। इसमें जो पूरी टीम लगी थी उसने बहुत मेहनत के साथ काम की, इसमें शहर के सभी थाना प्रभारी CSP एडिशनल SP और जो पूरा समस्त स्टाफ उसमें लगा हुआ था विभिन्न प्रकार से पिछले 4-5 दिनों से, तो उन्होंने बहुत मेहनत की और सबसे बड़ी मेहनत ये थी कि जो भी साक्ष्य मिले उसका पूरा डिटेल एनालिसिस और इतने कम समय में टीम ने आरोपी को पकड़ा है, पूरी टीम को बधाई और टीम को किया। हाँ ये आरोपी अभी अकेला है और इसमें मजदूरी का काम करता मजदूरी करता क्या ये विभिन्न इसने विभिन्न तरह के कार्य किए हैं अलग अलग जगहों पे, सागर जिले के बाहर भी अलग अलग जगहों पे काम किए हैं, उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल पता कर रहे हैं और डिटेल पता करके और वेरीफाई भी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डायरी में शामिल करेंगे और क्या इसको सिरफिरा साइको कह सकते हैं सीरियल किलर? नहीं, साइको या सिरफिरा शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन में ऐसे टाइप नहीं आए हैं कि इसकी कोई ऐसी मेंटल स्टेट इस प्रकार की हो या कुछ इस प्रकार का, ये सामान्य अपराधी है और अपराधी के साथ वही कार्रवाई होगी जो है। ये पढ़ा लिखा है काफी क्या है? अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं और अभी पूछताछ जारी है ऑलरेडी।